अगर कोई आपसे बोले ओनली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन में आपको खाना बनाना है, तो आप नहीं समझ पाओगे ये क्या बोल रहा है ओनली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, उसका शॉर्ट फॉर्म है पीटीएफई। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आपको नॉन स्टिक में खाना बनाना है, तो आपको तरह भी पता चल जाएगा कि ये नॉन स्टिक के अंदर खाना बनाने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसका जो हिस्ट्री है वो अगर हम देखते हैं, तो नॉन स्टिक का जो मटेरियल है पीटीएफई, उसका जो रिसर्च है वो डू करके अमेरिका की यूएस की कंपनी है, उसका एक साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करने के बाद में उसको एक ऐसा प्रोडक्ट मिला। वो रिसर्च तो कोई और चीज के लिए कर रहा था, वो रिसर्च कर रहा था एयर कंडीशनिंग के अंदर यूज होने वाला सीएफसी जो रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये सीएफसी जो है ओजोन का जो लेयर रहता है उसको हार्म करता है। तो उनकी जगह पे कोई ऐसा प्रोडक्ट वो रिसर्च कर रहा था, गैस रिसर्च कर रहा था, और उसके बदले में उसको कूलिंग गैस की जगह पे ये पीटीएफई का ओर्निटेट्राफ्लोरोइथेनिन का रिसर्च हो गया। और उस साइंटिस्ट का नाम था रॉय ब्लैंकेट। लेकिन उसने जब देखा कि ये जो मटेरियल है उसका कोई इतना आवश्यकता नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा था कि उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, अगर कोई सॉल्वेंट उसके साथ कॉन्टेक्ट करता था उस साइंटिस्ट, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, तो उसने भी वो छोड़ दिया। लेकिन बुकपोर्ट का एक दूसरा साइंटिस्ट था, आफ्टर 16 ईयर्स 1954 में लूश हार्ट वन करके उसने ये पीटीएफई का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और उसको उसके लिए यूज करने के लिए उसको उसका फ्यूचर दिख रहा था वो मटेरियल में। और ब्लू पॉइंट था कॉपी है उसने, वो मटेरियल का टेक्निकल नाम दिया हुआ था टेफ्लॉन, मतलब ये जो नाम है वो इजिली पीपल्स को याद रहता है, मतलब टेफ्लॉन बराबर। और इस तरह से तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं नॉन स्टिक, उसके ऊपर ये टेफ्लॉन का कोटिंग होता है बराबर, मतलब उसको 400 डिग्री तक आप गर्म करोगे फिर भी उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होता टेफ्लॉन के लेयर के ऊपर, न तो वो पिघलता है न तो वो डैमेज होता है। और इस तरह से डुपोंट ने ये टेफ्लॉन का इन्वेंशन करके मार्केट के अंदर एक नया ही प्रोडक्ट पब्लिक को यूज करने के लिए दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।